हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको कहाँ ले चलती हूँ। आज मैं ले चलती हूँ आगरा की सुभाष मार्केट, जो कि मंडे मार्केट भी बोलते हैं और कतरन मार्केट भी बोलते हैं उसे, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो सब दिखाऊंगी वहाँ पर क्या क्या मिलता है, कितनी रेंज में मिलता है और क्या क्या कर सकते हैं हम उन कपड़ों से, तो सब दिखाऊंगी, सारे डिज़ाइन दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए फिर बने रहे मेरे साथ और आगे देखते हैं कि कहाँ का ले चलती हूँ मैं। तो आ चुके हैं हम अपनी मंडे मार्केट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से कपड़े लगे हुए हैं और क्या क्या सामान मिलता है, सब दिखाऊंगी मैं आपको। चलते जाइए बस मेरे साथ। तो ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं जो कि बहुत हल्के रेंज में मिलते हैं, मतलब कि 150 के दो जो है वो मिलते हैं। 150 के दो होते हैं 75 रुपये का एक, 75 रुपीज़। और यहाँ पर बैग मिलते हैं जो कि 100-100 रुपये के मिलते हैं, कोई सा भी ले लो। और सारा मतलब सस्ता आइटम दिखाऊँगी, सब कुछ सस्ता आइटम है यहाँ पर, और कतरन मार्केट भी बोलते हैं इसे। तो अभी सुबह का टाइम है तो मार्केट खुल नहीं रही है, मतलब खुलती जा रही है और मतलब मार्केट लगती भी जा रही है। तो मैं सुबह मार्केट में आई हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि टाइम अभी यहाँ पर बज रहा होगा 9:30 का टाइम होगा, और ये मार्केट सुबह के टाइम में ही सही लगती है। और बाकी टाइम में तो फिर कहते हैं ना कि छटावन रह जाता, मतलब छिका हुआ सारा माल रह जाता, वही आइटम है। तो चले फिर देखिए, स्टार्ट हो गया यहाँ से कतरन मार्केट इस जगह से। तो सब चीज़ अलग अलग लगती है, मतलब कतरन मार्केट अलग लगती है, बाकी के बच्चों के कपड़े अलग लगते हैं। तो ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये पूरी जो रोड गया है ना, पूरी गली गई है, पूरी कतरन मार्केट की है ये। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं, आपको ये मैं बता देती हूँ। ये देखिए, आप इसको डिजाइनिंग लहंगा भी बना सकते हो, यहाँ से गाउन भी बना सकते हो, जो कि बहुत सुंदर बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, काफ़ी लोग बनाते भी हैं। तो मैंने इसका प्राइस पूछा था तो ये 350 रुपये मीटर था। यहाँ पर पूरे में यही लगता है, देखो आप दिख रहे हो ना, पूरे में यही कतरन मार्केट लगेगी आपको, और सारी दुकानें बंद रहेंगी और ये मार्केट लगेगी। तो ये देखिए, ये वाले जो मैंने पूछे थे 350 रुपये मीटर था, और नीचे ये जो रखे हैं प्लेन, ये 200 रुपये मीटर था। और यहाँ पर एक और कढ़ाई वाले रखे हैं ये वाले, ये भी 200 रुपये मीटर था। और ये जो टंगे हैं ऊपर, ये था 450 रुपये मीटर, जो कि बहुत हैवी लगा मुझे, लेकिन इसको जब कपड़ा देखा था मैंने तो वास्तव में हाँ 450 रुपये लायक तो था, क्योंकि जो लहंगे वहंगे बनाते हैं हम तो महंगा तो होगा ही ना फिर, इसीलिए। तो सारी मार्केट में मैंने आपको यही दिखाया है। हाँ, लेकिन मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ जो खुद मतलब सिलाई कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं लहंगा गाउन वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा ये आइटम ठीक है, मतलब आप लोग लेके बना सकते हो तो सस्ता पड़ जाता है। अगर जैसे आप लोग खरीद के किसी और से बनवाते हो, टेलर से बनवाते हो, तो फिर वो महंगा ही पड़ता है, ये मैंने देखा है, मैं तो अपने हिसाब से बता रही, महंगा पड़ता है फिर वो। तो आप इसका कुछ भी बना सकते हो, डिजाइनर लहंगा बना सकते हो, गाउन बना सकते हो, या फिर कुर्ती बना सकते हो, तो बहुत ही अच्छा आइटम है ये, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सच बताऊँ तो ये। और ज़्यादातर मैं बता दूँ आपको कि हम लोग भी यूज करते हैं, और ज़्यादातर जो मोमडन होते हैं वो तो उनको बनाते ही बनाते हैं, मैंने देखा है ज़्यादा वो खुद बनाते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ से अब दूसरी मार्केट जो खुलती जा रही है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, जो कि कुर्तियाँ मिलती हैं बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर सुंदर हैं, और ज़्यादा नहीं 250-250 रुपये की कुर्ती मिलेंगी आपको ये। और एक जगह मैंने कुर्तियाँ देखी थी, ये 150-150 रुपये की हैं, जो कि ठीक ठाक लगी, मुझे लेनी नहीं थी फिर भी मैंने देखा था, आपको दिखाया, मैंने कहा कि दिखा देती हूँ। तो ये 150-150 रुपये की कुर्तियाँ थी यहाँ पर। और मार्केट ख़त्म होते ही मुझे आना पड़ा घर पर, जो कि मैंने बनाए थे आज छोले भटूरे, और मेरी बहन भी आई थी सिस्टर, वो मैंने कहा चल तू सही टाइम पर आई है, मैंने आज भटूरे बनाए, अब खा कर ही जाइए, वो कह रहे ठीक है। और नकुल मुझे बता रहा था, मम्मी मौसी आ गई, मैंने अच्छा, तो वो भी यहीं खड़ी थी, और नकुल पता मौसी से बोल रहा था, मौसी वीडियो बन रही है तुम यूट्यूब पर आओगी तो वो कह रहा थे, मतलब उसकी मौसी कह रही थी कि हाँ तो क्या हो गया, आएगी तो क्या हो गया, मैंने भी बोला था तो क्या हो गया, तो वो कह रही तू भी आ जा, उसकी मौसी बोल रही थी, मैंने वो तो रोज़ ही आता रहता है, उसका तो डेली का काम है। और किसी ने बोला था कि आप अपने बड़े बेटे को दिखाओ, मैंने दिखाया है कई बार, लेकिन आप लोग कहोगे तो मैं, और मैंने उसके साथ गूगल पे चैलेंज वीडियो भी बनाया है एक सबसे पहले अपने बेटे के साथ, तो देख लेना आप लोग, दिखाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाती हूँ। और यहाँ पर पता है बहुत दिनों से मन हो रहा था छोले भटूरे बनाने खाने का बहुत ज़्यादा, और मार्केट से मतलब खा के नहीं आए इतना, तो लेकर आए थे, तो मैंने कहा घर पर ही बनाना है, तो वही बनाया है घर पर। और इसकी रेसिपी मैंने नहीं दिखाई आप सबको, क्योंकि क्या दिखाना है, छोले भटूरे सबको ही सबको आते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं आते, और YouTube पे सब कुछ सिखाते हैं, ऐसा कि नहीं सब कुछ आता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अलग से इसकी रेसिपी डाल दूँगी बनाकर फिर किसी दिन। छोले मेरे बन चुके हैं, भटूरे भटूरे रह गए थे,
मैंने तो नकुल को बोला था कि नकुल तू खा ले, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, सबके साथ मैं खाऊंगा। वो मज़े आते हैं ना सबके साथ में खाने में, सबके साथ में खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। और भटूरे बनाने की एक ये लत लगती है कि हाथ ना चिकने हो जाते हैं एकदम, तेल तेल लग जाता है। फिर ये भी डर लगता है कहीं साड़ी वाड़ी में ना वो तेल के दाग ना लग जाए, तो वो बहुत बेकार लगते हैं फिर वो साड़ियाँ। तो आप सबको ये कैसा लगा, मैंने आपको मंडे मार्केट दिखाई आपको, तो कैसी लगी मेरी मंडे मार्केट यहाँ की आगरा की। तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जो मेरी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए फिर, और अगर आपको मंडे मार्केट से कुछ लेना भी है तो बहुत अच्छा सुझाव है, आप ले सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हम खा लेते हैं अपने छोले भटूरे, आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन। आज तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बड़ा हो फिर भी, और आज अपनी सिस्टर से बात करेंगे। तो चले फिर, बाय बाय।